ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहली बात हमारे लिए ये है कि ये होता क्या है, क्या मतलब इस चीज का, उसे समझते हैं। तो बात है भाई साहब आज से करीब कई सौ साल पुरानी, बहुत पुरानी बात। और एक फंक्शन हुआ करता था आपके पास, कोई भी फंक्शन। आप जानते हैं फंक्शन जो होता है एफ एक्स इक्वल टू करके कुछ भी होता है, एफ एक्स का मतलब वाई भी होता है। तो कोई भी फंक्शन, और हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। ठीक है, सपोज किसी फंक्शन का हमारे पास ये ग्राफ है, और अभी हर ग्राफ को बच्चों आपको लेफ्ट टू राइट देखना चाहिए। हर ग्राफ को आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो अभी ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा होता है तो हम ये कहते हैं इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। और थोड़ी देर बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा, यहां से ये डिक्रीज करना शुरू हो गया। अब ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज 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 डिक्रीज, फिर इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो ये ऑब्जर्वेशन, गुड इवनिंग बेटा, ये ऑब्जर्वेशन आप लोग सबको पता चल रही है, कर पा रहे हैं आप लोग ऑब्जर्व कि हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है, बहुत आसान सी बात है। आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज देख सकते हैं। तो बेटा वो पॉइंट जहां से ग्राफ इंक्रीज से डिक्रीज होता है या डिक्रीज से इंक्रीज होता है, वो दिखाई दे रहा है आपको। तो जब इंक्रीज से डिक्रीज होता है उसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और जब डिक्रीज से इंक्रीज होता है दैट इज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पर अगर आप टेंजेंट बनाते हैं, भाई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पर अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है। अभी अभी सुनते हैं एक एक करके बात आप लोगों की। हाँ जी, तो पहली बार बोलिए श्री शिवम पाराशर जी ने कि उस पॉइंट पर स्लोप जीरो होगा। यस, आपकी बात सही है। आर्यन राठी कह रहे हैं सर तो इंक्रीज होने को मैक्सिमा कहेंगे या डिक्रीज होने को? ना इंक्रीज होने को कहेंगे ना डिक्रीज होने को कहेंगे, हम ये कहेंगे वो पॉइंट जहां से फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है दैट इज मैक्सिमा, जहां डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है दैट इज मिनिमा। नव्या आप सही कह रहे हैं, डीवाई बाय डी एक्स जीरो होगा। सत्य वचन आपके अच्छी ऑब्जर्वेशन है, मतलब चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, क्योंकि स्लोप टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये उल्टा क्यों है नाम? अभी बताते, उल्टा का है, सही तो है नाम भाई। जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो मैक्सिमा, जो नीचे है वो मिनिमा, उल्टा कैसे हुआ? तो चाहे मैक्सिमा की बात करो चाहे मिनिमा की बात करो, डीवाई बाय डी एक्स आपका जीरो होगा। इस बात में किसी को प्रॉब्लम हो जल्दी जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करें, हम आगे बात पढ़ाते हैं। बेटा वो कुछ और बोला था, हम बताते हैं आपको। स्कूल टीचर ने कुछ उल्टा बोला था वो हम बताएंगे, वो अलग चीज थी। क्लियर है? बहुत अच्छे। एक बार और बता दें,
बेटा देखो, हम ये बता रहे थे बच्चे, बात ये थी बेटा कि जैसे कोई ग्राफ होता है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो जब ये इंक्रीजिंग से जब डिक्रीजिंग होता है तो उसे मैक्सिमा बोलते हैं, जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है उसे मिनिमा बोलते हैं, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है मैक्सिमा बोलते हैं, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है मिनिमा बोलते हैं, बस इतनी बात। और इन पॉइंट्स पर डीवाई बाय डीएक्स 0 होता है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये था। और किसी को कोई बात पूछनी है तो बिल्कुल रिलैक्स होकर पूछो, हम पे बहुत मार्जिन है सर। एंड पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, हम ही उन पर बेटा बाद में आएंगे, उसके लिए एक अलग टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, वो बाद में आएगा। अभी क्या है, लोकल वाले हम बता रहे हैं, इसके बाद में आपको एब्सोल्यूट भी बताए जाएंगे, एक टॉपिक आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का। अच्छा, श्री यश वर्मा जी की डाउट आ रहा है, ये कह रहे हैं सर अगर डीवाई बाय डी 0 है तो मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ ग्राफ देख के ही पता चला सकते हैं या कोई और भी मेथड है? पता लगा लेंगे, वो दो मेथड है हमारे पास, दोनों बताएंगे। लोकल क्यों लगाते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात पूछ रहे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हालांकि आप लोगों के टाइम में तो ये दिक्कत है खत्म हो गई, एक फोन होते हैं एसटीडी, जैसे आप उसके आगे एक एसटीडी कोड लगाते हो, जैसे आप चलो उसको छोड़ो, इंडिया से बाहर कॉल करना होता है तो वहां का लगाते हैं ना, लैंडलाइन होते हैं बिल्कुल, इंडिया से बाहर जैसे कॉल करने, तो इंडिया का कोड है आपका 91, उसके बाद आपका कोई मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर आता है, ऐसे अमेरिका का लगाओगे तो +1 करके आता है। तो जो एक स्पेसिफिक एरिया है, मतलब लिमिटेड एरिया में, उसे हम लोकल कॉल के हमारे रेट लगते हैं, लेकिन आप अमेरिका फोन मिलाओ तो आपको ISD लगेगी। तो ये क्या होता है, छोटे से एरिया की बात चल रही है, इस एरिया में आप देखो इस एरिया में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन है, तो इस लोकल एरिया में, अब इसको बताते हैं, एक लोकल गुंडा होता है और एक वैसा माफिया होता है, डॉन। लोकल गुंडा होता है ना, लोकल गुंडा, बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा, एक लोकल गुंडा होता है, मतलब दो तीन इलाके, शाहदरा का हो गया, कृष्णा नगर का हो गया, ठीक है, और एक होता है भाई साहब बड़ा डॉन, लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद इब्राहिम। लोकल मीन्स स्मॉल एरिया, यस सर। जो पिटता रहता है, अबे पिटता रहता वाला गुंडा नहीं कह रहा मैं, जो पीटता रहता है, लादेन, बिल्कुल वो हो गया ना इंटरनेशनल टाइप का। तो इंटरनेशनल वाले जो होते हैं बेटा वो तो होते हैं एब्सोल्यूट, डॉन मोहम्मद अब्दुल्ला, अच्छा बगदादी, ये कौन है? अबे अब्दुल्ला तुम डॉन हो भाई, क्या कह रहे हैं तुम्हारे लिए ये बच्चे, कहाँ गए अब्दुल्ला? एक तारीख को बात करेंगे इस बारे में। चलो छोड़ो, मैं एक डॉन को एजुकेट कर रहा हूँ, नहीं बच्चे अच्छे हैं सारे, ऐसा नहीं है। तो आई होप ये क्लियर तो हो ही गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड, एल्गोरिथम क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। भाई आपको एक फंक्शन दिया होगा कुछ भी, ठीक है, आप निकालेंगे उसका डीवाई बाय डीएक्स, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे ये बताओ, जिस स्टेप में भी आपको लगे ना मुझे बता देना कि भाई ये हम नहीं निकाल पाएंगे, फिर उसे फैक्टराइज वगैरह करके सिंप्लीफाई कर लेना और डीवाई बाय डीएक्स को निकाल लेना 0। इसके बाद दो मेथड है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैं स्कूल वाला पहले बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी वगैरह में दिया होता है, एनसीईआरटी वाला की दोनों दिए हुए हैं, बट क्या बोर्ड में जैसे चेक करते हैं, मैं वो मेथड बता देता हूँ। अभी मैं आर्यन बाद में पढ़ूंगा, मैं ऐसे सारे यहाँ देखो, इसके बाद आप लोग निकालेंगे डीवाई बाय डी को 0 रखेंगे तो आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, फिर आप निकालेंगे d2y बाय dx2 और उसमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, x1 रखोगे एक बार, x2 रखोगे एक बार, x3 जितनी भी होंगी, 1 2 3 जितनी भी होंगी। अब यहां से तीन पॉसिबिलिटी बेटा,
या तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, या ये जीरो आएगा। पॉजिटिव आए तो आप कह देना ये लोकल मिनिमा है, नेगेटिव आए तो बोल देना लोकल मैक्सिमा है, और ये आ जाए तो बोल देना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हालांकि इस मेथड को मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ मैं इस मेथड को पसंद नहीं करता हूँ, बट लास्ट वाला स्टेप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यस सर, इसमें ऊपर मैंने बताओ बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। लास्ट वाला दोबारा बता दो। लास्ट वाला मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि dy बाय dx निकालने के बाद आप उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो और ये जो वैल्यूज आई है उन्हें पुट करो। अब पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, जीरो आता है तो पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन। जस्ट इसे नोट कर लो, मैं भी आपको इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, क्वेश्चन से एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। नोट कर लिया आपने? मैं नोट कर लिया, जल्दी से बताओ। ठीक है, नोट कर लिया होगा जी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जरा एक बार देखते हैं इसे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर। हमने इसे रब नहीं करा है, साथ साथ में पैरेलल में चलाते हैं इसको, कि हमें जैसा कि आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, जिसे हम वाई भी कह सकते हैं बच्चों। हमने डिफरेंशिएशन किया, आया हमारे पास dy by dx जो हो गया 3x square माइनस का 3। आप चाहो तो इसका थोड़ा फैक्टराइजेशन करके रखो, अच्छा रहता है, फैक्टराइजेशन करने से भी क्वेश्चन आसान लगता है, तो करके रख लेना चाहिए कि तीनों है तो इक्वल ही है, तो तीनों dy by dx है। इसके बाद एक लाइन लिखोगे आप फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। डीवाई बाय डीएक्स को क्या पुट करना है बच्चों, मैंने क्या बताया हुआ है देखो, आप देख के बता सकते हैं। डीवाई बाय डीएक्स को जीरो पुट करने के लिए बोला है, आपने जीरो पुट किया, आपने जीरो पुट किया तो क्या आपको एक्स की वैल्यू मिली? शिवम बेटा, स्कूल के मेथड यूज करोगे फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं। मान लो मेरी बात, बहुत बहुत मेहनत करी है मैंने बेटा, विश्वास रखो मैंने बहुत मेहनत करी है तुम लोगों की चीजों को इजी से इजी बनाने में। क्या आपको बिल्कुल जैसा साइड में लिखा हुआ उसी तरीके से वैल्यूज मिल रही है कि नहीं मिल रही? सेम वही हो रहा है काम जो बताया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं, सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा यतिन, मुझे याद नहीं ये सब करा हुआ है मैंने। अब सेकंड डेरिवेटिव में आप पहले एक्स की वैल्यू को डालो, एक्स की वैल्यू माइनस वन डाली यहां पर, तो क्या आया? इसका मतलब ये क्या चीज है, ये हो गया लोकल मैक्सिमा। अगला आ गया सिक्स,
ये हो गया लोकल मिनिमा, ठीक है, बस खत्म। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा। क्या लिखूं मैं, एक्स इक्वल टू -1, लोकल मैक्सिमा एक्स इक्वल टू 1, लोकल मिनिमा। चलो पोल बोल ले बच्चों, पोल कर लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। सिक्स एक्स कैसे लिया बेटा, डीवाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करा था तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ऐसे आया था 6x, ठीक है। और बताओ किसी को दिक्कत, सिक्स एक्स के बाद का समझाओ बेटा। ये जो सिक्स एक्स है ना, इसमें एक्स की जगह पहले तो -1 पुट करा और एक बार 1 पुट करा है, 1 पुट करा, उल्टा लिख दिया मैंने ये ना। अर्जुन सही में आ गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन होना चाहिए, इसे करो भाई, ट्राई करो आप लोग इसको। स्टेप्स लिख देता हूं मैं, सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे आप लोग, फिर क्या करोगे, डीवाई बाई डी एक्स को 0 लिखोगे और एक्स की वैल्यूज निकालोगे, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे और उसमें वैल्यूज पुट करोगे, जो भी आता है, ठीक है करो, टाइम देता हूं मैं आपको करने। अच्छा इसमें एक्स की एक ही वैल्यू आ रही, कोई बात नहीं, 0 वाले को पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोलेंगे बेटा, 0 वाले को पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोलेंगे, POI, ठीक है सही होगा, हाँ देख लेते हैं। अच्छा इसमें कुछ आया ही नहीं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आ गया, सेकंड डेरिवेटिव निकाले, हाँ ठीक है 0 ही आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, इसमें तो कुछ आया ही नहीं। चलो इसे तो छोड़ो, इसमें मजा नहीं आया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये करो,
फर्स्ट पार्ट निकाल के देखो, फर्स्ट करो, सेकंड थर्ड मत करना, थर्ड हम करेंगे, ये तुम बता देंगे अभी, पहले कर लो, ग्राफ राफ का काम बाद में हो जाएगा। पीपी चाहिए, ये था पीपी। अच्छा डन, ओके। वेरी गुड। हाँ हनी, टू नहीं आएगा बेटा, पॉइंट बताना होता है, पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 आया होगा भाई। देखो ये वाई था, इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। हाँ जी एक्स को भी वाई की तरह ट्रीट करो बेटा। संचिता वेरी गुड बच्चे, जीरो पुट किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, इस ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 हो गया आपका लोकल मिनिमा। किसी को प्रॉब्लम इसमें तो बता दो बेटा, किसी बच्चे को इसमें कोई इश्यू हो तो मुझे बता दें। बेटा मैक्सिमा नहीं होगा इसमें, आ ही नहीं रहा, ठीक है। सेकंड पार्ट का तो उसमें दोनों आ रहे हैं। भूमि वेरी गुड बच्चे, सेकंड वाले में दोनों आ रहे हैं बिल्कुल सक्षम, ओके ठीक है। थर्ड भी निकाल दिया भाई, नहीं, थर्ड गलत लग रहा है मुझे। थर्ड के बारे में सुनोगे, थर्ड में बताना चाहता हूं, थर्ड को सुनो, जब भी ट्रिगो के क्वेश्चन होंगे आपको इंटरवल जरूर मिलेगा। पहली बात नोट करने की, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन होगा तो आपको इंटरवल जरूर मिलेगा। सेकंड बता दो भाई, सेकंड में क्या दिक्कत आई? ये आया फिर से 0 लिखा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस बनाई, ये क्वेश्चन अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले, ये वही है रिपीट। वन रखोगे माइनस वन रखोगे, वन रखोगे मिनिमा आ जाएगा, माइनस वन रखोगे मैक्सिमा। गणित कोई दिक्कत आई बेटा इसमें, बताओ जरा। बताओ बताओ गणित, आ गया। देखो भाई ये आपके पास वाई है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा आपने 0 लिखा, भाई यहां तक ये बताओ टॉपिक आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है?
आपको पॉइंट मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई पाई बाई फोर। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम देती है या एक्स की वैल्यू? डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बताती है नेचर कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है आपको पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव बताता है नेचर। सर जीरो पे होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेटा। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, निकालो निकालो निकालो। सर टेन एक्स किया क्या आपने? बेटा कॉस एक्स को इधर ले जाओ अपॉन में, तो क्या ये टेन एक्स आ जाएगा? इन्हें पता नहीं है अभी क्या हो जाएगा फिर। अच्छा तुम ये सोचो शिवम कि मुझे कंट्रोल कितना कितना मुश्किल पड़ता होगा, कि मुझे बिल्कुल लिमिटेशन में रहना है। हाँ भाई सेकंड डेरिवेटिव निकालो, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। वैल्यू पुट कर दो पाई बाई फोर। बिल्कुल सही है बेटा, सब बिल्कुल सही है आर्यन, करेक्ट आंसर। तो ये नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस नेगेटिव आ रही है इतना काफी है। तो x इक्वल टू पाई बाई फोर पर हो गया लोकल मैक्सिमा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? माइनस रूट टू आएगी बेटा बिल्कुल। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई भी बच्चा हो तो बताओ। बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात एडिशनल सीख लो, छोटी सी है वैसे तो। x इक्वल टू पाई बाई फोर लोकल मैक्सिमा है, अगर इसे ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करें तो इससे जो आएगा उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स। पाई बाई फोर रखने से मिलेगी आपको क्या? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन रखनी ओरिजिनल फंक्शन में पड़ेगी। तो कितनी आएगी? गलत जवाब। तो रूट टू इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर। इज इट ओके और नॉट ओके? ये है लोकल मैक्सिमा और ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है? ये लोकल मैक्सिमा है, ये क्या है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ओके है ये बात। और इन्होंने मांगी भी है भाई, देखो ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। पता चल गया क्यों निकाला ये हमने, फाइंड ऑल्सो। सर ऐसा भी कह सकते हैं साइन बदल गए तो चेंज हो रहा है मैक्सिमम। अभी कुछ मत सोचो, मैं डिटेल में बताऊंगा, अपनी कैलकुलेशंस मत लगाओ आप, ठीक है? अपनी कैलकुलेशंस मत लगाओ। चलो वेटअप कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फोर्थ पार्ट करें सभी बच्चे जल्दी से। बेटा वैल्यू तो फंक्शन की ही निकलेगी ना, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तो नेचर बताते हैं, लेकिन वैल्यू वैल्यू हमेशा फंक्शन की ही निकलेगी। ठीक है अर्जुन, वैल्यू कहां से मिलेगी? फंक्शन से। dy by dx क्या बताएगा? क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड डेरिवेटिव क्या बताएगा? नेचर। ठीक
इज दैट ओके? बाकी बच्चे लगे रहो, जल्दी से फोर्थ पार्ट करो पहले, फोर्थ पार्ट का डिस्कशन। अर्जुन आपको कोई भी डाउट बेटा पूछ लो, मैं म्यूट की भी परमिशन दे देता हूँ, लोग पूछ लो कुछ पूछना हो तो। वेरी गुड भाई, फोर्थ पार्ट का आंसर बता दो, ये एक बार कर लो फिर मैं बताता हूं। चलो मैं इस फोर्थ पार्ट को करूँ, जस्ट चेक करना अपना जो भी आपने करा है। प्रगति वेरी गुड बेटा, अभी देखते हैं। तो हमारे पास ये एफ एक्स है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने इसे जीरो लिखा, यतिन गलत है बेटा। इसके बाद हमारे पास आ गया ठीक है, आपको कहां से कहां तक सोचना है बेटा, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, केयरफुली देखें इसको, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं। टेन एक्स नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएंगे आपके, क्योंकि टेन इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब ये वैल्यू आप लोग निकाल पाएंगे या नहीं, इसके लिए मैं सजेशन दूंगा, ये होता है 180 माइनस थीटा, ये होता है 360 माइनस थीटा। तो पहली वैल्यू आएगी 180 माइनस थीटा से 180 माइनस 45, और दूसरी वैल्यू आएगी 360 माइनस 45। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने अच्छे हैं, एक 135 वैल्यू आई और एक 315 वैल्यू आई ठीक है, हनी दोनों गलत है बेटा आपके आंसर। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, पहली वैल्यू तो है 3π/4 और दूसरी वैल्यू है 7π/4। प्रगति आपका आंसर सही है बेटा बिल्कुल। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आर्यन में दिख नहीं रहा बेटा तुम्हारा आंसर, मुझे ऊपर होगा कहीं पे। अंशु करेक्ट है बेटा, तेजस्विनी करेक्ट है। आर्यन दोबारा टाइप कर दो, मुझे दिख नहीं रहा है। सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला, अब वन बाय वन वैल्यू पुट करते हैं। थ्री पाई बाय फोर वैल्यू पुट करी,
इससे नेगेटिव आएगा बेटा, दोनों से निकालनी है वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इंटरवल के हिसाब से देखिए, और यहां से पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, ये हो जाएगा लोकल मिनिमम। मुझे लगता है कि इसमें आपको डाउट आ सकते हैं, तो अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिसको पूछना है पूछ लो, एक बार वन बाय वन पूछ सकते हो, किसी को बोलना पूछ लो, टाइप करके पूछ लो, जैसे इच्छा है पूछो, क्योंकि डाउट आ सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन से स्टेप्स हैं भाई। ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। पॉजिटिव जाएंगे तो मिनिमा होगा, एक मिनट बच्चे, अभी बताते हैं। फिफ्थ स्टेप, हाँ देखो ऐसा होता है बच्चों, ओके एट स्टेप में दिक्कत है, फिफ्थ स्टेप में दिक्कत है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव को बता रहे, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव उल्टा बोलते हैं, पॉजिटिव मतलब मिनिमा और नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। सक्षम को एट और नाइन स्टेप में दिक्कत है, बेटा देखो सबसे पहले मैं एट और नाइन बताता हूँ, ये इजी स्टेप है। सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला, आप ये देखो सेकंड डेरिवेटिव निकाला कैसे, इसका डिफरेंशिएशन किया दोबारा से, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। तो ये तो आ गया हमारे पास सेवन स्टेप। अब एक्स की वैल्यू थ्री पाई बाई फोर पुट करी, एक्स की जगह थ्री पाई बाय फोर पुट किया, एक्स की जगह थ्री पाई बाय फोर पुट किया, साइन थ्री पाई बाय फोर पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। दिक्कत आ रही होगी इसमें, मुझे पता है इलेवन की ट्रिगो में आप लोगों को दिक्कत आती है, अभी भी आ रही है तो मुझे बताते रहो बार 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 बताते रहो कि मुझे दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, ठीक है। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी शर्माने की भी जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको डिटेल में बता ही देता हूँ, एक बार आराम से सुनो। देखो अभी बताते हैं, टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन है, अगर आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है जीरो से लेकर 360 तक की, तो उसका तरीका बच्चे ये है कि आपके पास 10 की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको ये पता चल गया सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और थर्ड की तो कोई बात करनी ही नहीं है, जो भी बात होगी वो सेकंड और फोर्थ की होगी। सेकंड के एंगल को हमेशा 180 माइनस करके देखा करो, फोर्थ के एंगल को 360 माइनस, थर्ड के एंगल को 180 प्लस करके देखा करो। अब ये देखो वन वैल्यू किससे आती है, मुझे बताओ वन वैल्यू किससे आती है बच्चों, वन किससे आती है, 45 से आती है, तो 45 से आती है तो सेकंड के अकॉर्डिंग 180 माइनस 45 हो गया, फोर्थ के अकॉर्डिंग 360 माइनस 45 हो गया। ये बात अगर समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछो अभी, और एग्जैक्टली वैसे ही पूछो जैसे आपके मन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ट्रिगो का क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा में से बहुत ज्यादा आता है। बेटा कोई भी बच्चा जिसे दिक्कत हो मुझे अभी बता दो, कोई इसमें हेजिटेट करने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 180 एंड 360 दोनों में से क्यों किया, बेटा ऐसा था देखो 10 नेगेटिव है, 10 नेगेटिव एएसटीसी के हिसाब से कहाँ कहाँ होता है ये बताइए आप, तो यहाँ पे ये तो साइन का एरिया 10 का नहीं होता, तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ 10 नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अभी 10 नेगेटिव है तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट कंसिडर करना पड़ेगा और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ का मतलब है हमें 180 माइनस करके कंसिडर करना पड़ेगा और 360 माइनस करके। ये समझ में आई बात नहीं आई, जल्दी से बताओ, नाम नहीं लूंगा, जल्दी से बताओ। हाँ अब इसके बाद हमारे पास ये आ गए 135 और 315, इसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। एक बच्चा पूछ रहा है सर रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो बेटा रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई करी तो 135 में पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई करोगे 3 पाई बाई 4 मिलेगा, 315 को करोगे तो 7 पाई बाई 4 मिलेगा।
तुम्हारा डाउट भी क्लियर हुआ? दोनों बच्चे बताओ भी क्लियर हो गए दोनों के डाउट? नाम नहीं बोलेंगे हम क्योंकि डाउट पूछे उन्होंने, विश्वास है हमारा तुम्हारा उनके ऊपर, बताओ ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद आती है सेवन स्टेप की बात। सेवन स्टेप में हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, तो कॉस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब हमने 3π/4 वैल्यू को यहां पुट किया, यहां दिक्कत आई होगी आप लोगों को, उसे देखते हैं भाई। sin 3π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है? sin 3π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है? मैं बता रहा हूं बेटा सबको, sin 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट मान लो तुम्हें ये पता ही नहीं लग रहा, ठीक है हटाओ इसे। अब ये देखो ये तो माइनस है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यस और नो बताओ भाई, पॉजिटिव होता है। और कॉस कैसा होता है? कॉस नेगेटिव होता है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आएगा, क्या ओवरऑल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे सोचते हैं बेटा, मैंने वैल्यू भी नहीं निकाली लेकिन हमने साइन पता कर लिया कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? जिस जिसका डाउट था बेटा जल्दी से बता दो मुझे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका एक भाई भी है, एक और सपोर्टिंग है, यहां देखते हैं इसे, देखते हैं बेटा इसे। हम कहते हैं हमें पता ही नहीं पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब समझो एक बार, 7π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, फोर्थ। ये माइनस लिखा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, फिर प्लस लिखा है, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या ओवरऑल पॉजिटिव आया कि नहीं आया बताओ? क्या ओवरऑल पॉजिटिव आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? जल्दी बताओ, सिक्स स्टेप में 45 क्यों लिया? वन वन किससे आती है वैल्यू, ये बताओ? अगर माइनस प्लस का ध्यान ना रखें तो वन किससे आती है? 45 से आती है ना भाई। नेगेटिव के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट डिसाइड करा और वन की वजह से थीटा डिसाइड करा, तो ये तो बता रहा है क्वाड्रेंट और ये बता रहा है थीटा। ओके, कतई क्लियर है जी? डन कर दें इसे भाई, हम इसे डन कर दें, हटा दें इसको। अभी भी किसी को दिक्कत है बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के लिए। फिफ्थ पार्ट करो, देखो होता है कि नहीं होता। ट्रिगो वाले क्वेश्चन ट्रिकी मिलेंगे, बाकी एक्स वाले आसान मिलेंगे। आर्यन क्या निकाला है? मुझे मैक्स पॉइंट मत दो बेटा, भाई अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके, मुझे करना पड़ेगा। तीन बच्चों ने तीन आंसर दिए हैं,
बिल्कुल गलत होंगे, मैं तो सबका निकाल ही रहा हूँ इसीलिए बेटा। देखो अब किसी ना किसी के तो गलत होंगे ही ना। लो अब 3 पे आ रहा है, एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे तो मिनिमा आ रहा है, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को कहाँ पुट करोगे? यहां पुट करोगे। ठीक है, करो जल्दी जल्दी करो, आज तो बात बन रही है तुम्हारी। शिवांश वेरी गुड बेटा, मिशिता लकी शाबाश। सर समझ नहीं आ रहा क्यों पुट करेंगे। बेटा वैल्यू तो इसी की निकलती है ना, फंक्शन तो ये है, ये तो आपको नेचर ही बताते हैं बस। देखिए फंक्शन तो यही है ना, तो वैल्यू तो इसी की मिलेंगे बेटा। अर्जुन समझ में आ रही है बात? नहीं बेटा। नवीदा शाबाश बच्चे। भाई कुछ बच्चे तो मेरे ऑनलाइन में कनेक्ट रहेंगे शायद, जैसे नवीरा, अमीशी, हनी, और कौन है, निखिल, यश। अरे आपको वहां ना पड़ेगा, एमएस पार्क ऑनलाइन में रहोगे आर्यन। तेजस्वनी भाई चिंता मत करो, आपकी ऑनलाइन चलती रहेंगी, आपकी ऑनलाइन चलेंगी बेटा बिल्कुल। अभी नहीं, नहीं अभी नहीं हो पाएगी मनीष अमीशी बेटा, वहां नहीं हो पाएगी ना। भूमि, ये तो ऑनलाइन के बच्चे रहेंगे हमारे। आर्यन राठी ऑनलाइन में रहेंगे, लकी ऑनलाइन में रहेंगे, रोहन गौड़, एक तारीख से अब्दुल्ला स्टार्ट करवाएंगे बेटा आप लोग क्लास। किस्मत मिलवाएगी, मिलवा जाएगी, देखते हैं। आर्यन राठी ऑनलाइन में रहेंगे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, बताओ बताओ बेटा, डायरेक्ट मैसेज में यही अच्छी बात है, सीक्रेट किसी को पता नहीं चलते। अरे 6 पार्ट करो बच्चों जल्दी से, 6। मोस्ट प्रोबेबली ये तीन कर देंगे। शर्त लगा सकते हो, चलो देखते हैं।
नहीं, अब आप लोगों को इतना ही कराएंगे, ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है, हमारा काफी काम हो गया है आज भी। तो आसान ही है ना क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार टू पुट कर लो, एक बार माइनस टू, टू से मिनिमम आ जाएगा और माइनस टू से मैक्सिमम आ जाएगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या इसमें? अच्छा लिखा हुआ है भी एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो बस सही है। आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी थी तो बस यही लेनी है, मिनिमम आएगा फिर तो। तो और भी आसान हो गया, पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी बस। चलो सेवन करो। पी पी ओके, एक मिनट रुको बेटे, पी 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 क्या होता है? दो पी तो समझ में आ गए, गनी पी 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 क्या होता है? पीपनी से बजा दी तुमने तो बेटा। प्रीवियस पेज प्लीज। ओके 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 ओके, डन है। चलो ठीक है, एक काम करो भाई, ये दो क्वेश्चन बचे हैं कर लोगे इनको आप? सेवंथ का फर्स्ट डेरिवेटिव? ओके, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, एक मिनट रुको बेटा। वन अपॉन एक्स कर लिया, वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। अब इसे जीरो लिख दो, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, बस। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, काम खत्म। सही में आया कि नहीं आया बेटा बताओ? जीरो पे मैक्सिमम आ रहा है। ओके डन है भाई,
इतने बहुत और करने हैं या जल्दी बताओ। बहुत है ठीक है चलो 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 चलो। अरे मनीष हो जाएंगे बस बस। अरे 1 घंटे में थक जाते होंगे तुम।